Finally, we are going to start today's topic, that is capacitor. So what is capacitor? Capacitor is a device whose capacity can be changed or increased without changing its dimensions or the volume. Means हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारी एक बकेट में 5 लीटर पानी आता है, उस बकेट की डायमेंशंस को चेंज किए बिना और उसके वॉल्यूम को चेंज किए बिना क्या हम उसमें 5 लीटर से ज़्यादा पानी डाल सकते हैं? That is the magic of it. तो the capacitor वही डिवाइस होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो कि क्या करती है, उसकी डायमेंशन में, खुद के कंडक्टर की डायमेंशन में चेंज नहीं करना है, उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं करना है, उसके बावजूद भी इसकी जो कैपेसिटी थी उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. दैट इज कैपेसिटर. तो अब देखते हैं कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है. तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. करता कैसे ये देखते हैं. हमें मालूम है C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू हमारा होता है Q अपॉन V. इसको आप याद रखिए. अब देखते हैं, अगर हम मान लें कि अगर हम इसको V को चेंज कर दें, V को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम देख चुके हैं एरिया K और प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर, तो हमारा C बढ़ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसको देखें, हमारे पास केवल एक रॉड थी A, तो इसके पास कोई सी कोई स्टोरेज कैपेसिटी होगी, A में कितना चार्ज स्टोर होगा, इसकी कैपेसिटी होगी. अब अगर हम एक दूसरे चार्ज को इस ए के पास लेके आते हैं, तो हम देखेंगे कि इसके पास वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज और दूर वाले सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे. अब इसके जो पास वाले सिरे के जो चार्ज हैं, ये इसका वोल्टेज क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है. तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिक्रीज होगा, मतलब कि ये चार्ज वोल्टेज को घटाएंगे. और ये पॉजिटिव वाले चार्ज हैं, ये इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे. क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे. मतलब सर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है. लेकिन अगर अब हम इसको ग्राउंडेड कर दें, तो ग्राउंडेड कर देंगे तो क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में. अब यहाँ क्या बचा, केवल नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा, टोटल इसके चार्ज से क्या हो रहा है, टोटल क्या घट रहा है इसका, वोल्टेज. मतलब वोल्टेज अगर घट रहा है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब हमारा क्या बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गई. इट मीन्स हमने ये चमत्कार कर लिया. तो पेयर ऑफ टू सेट्स ऑफ ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर.